लाइक कर देना। लाइक कर के शेयर कर दें साथ में। वो धक्कियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, सिर्फ धक्कियाँ ही दे रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी उनको नहीं आता, ना वो कुछ कर सकते, वो खाली बकवास कर सकते हैं। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि भारत के कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं बगैर जाने कि वो क्या, बगैर समझे कि वो क्या है, वो कुछ भी हो सकते हैं। अरे मैं मोहब्बत में आई थी तो मुझ पर इस तरह तुम सवाल उठा रहे हो, क्या प्रूव है कि वो सच्चा है? एक बात आपको ही बता दूं कि मतलब लाइट चली गई, छोड़ी चली गई लाइट, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो पाकिस्तान से कभी उम्मीद हमने रखी थी और ना रख पाएंगे, जैसे कि वहाँ के लोगों की, यानी कि आप भी, आप सभी को पता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं और क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। एक बार को हिंदुस्तान खूब, यानी कि हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान ने खूब, हिंदुस्तान का बड़ा दिल है, खूब सोचा पाकिस्तान की तरफ, परंतु ये है कि पाकिस्तान ने एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं सोचा कि हाँ ठीक है हमारे लिए, कोई ना, ये तो बात है, वो मेरी कहीं ना है और ना रहेगी उससे, वो बक्कियां देना जानते हैं। और सबसे पहले है हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के लिए जान भी दे देंगे अगर कुछ बात आएगी तो। पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदुस्तान का नमक खाकर भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ जुड़कर साथ दे रहे हैं, उनको सोचना चाहिए यार। जो कुछ है आप सभी को भी पता है कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो अपने हिंदुस्तानियों में नहीं दिखती, उन पाकिस्तानियों में दिखती है। इनकी साजिश है, कुछ ना कुछ मिले हुए हैं, मिले हुए हैं इनकी यार। अपने हिंदुस्तानियों को सोचो, अपने हिंदुस्तानियों को लेन देन, प्रेम है उनके साथ, मुझे बताओ ऐसा क्या प्रेम है। भूलो मत, वो बहुत गिरे हुए लोग है, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं शरण मांगती हूँ आप सबसे कि मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ मेरा अतीत था, आज तो मैं आपकी अमानत हूँ, आपके पास हूँ, आपकी बहू हूँ, इनकी पत्नी हूँ। गुलाम हैदर, पास्ट क्या होता है, पास्ट तो पास्ट होता है, बीती चीजें वापस नहीं आ सकती, जो गुजर गई सो गुजर गई, अब तो मैं हिंदुस्तान में हूँ, आप सबकी शरण में हूँ, अब तो मानो, चलो मैं मानती हूँ, अब तो अपना लो यार, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तुम लोग मेरा बुरा नहीं कर सकते। मैं एक बार नहीं हजार बार कह रही हूँ, जब कहते ना वो, मैं आज वीडियो बनाई थी, वो मैं जरूर डालूंगी, ऊपर वाला अपने साथ है, उस गाने में हमने वीडियो बनाई है, तो डरने की कोई बात नहीं, भगवान जी हमारे साथ हैं और तुम लोग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद पे आज दुनिया चल रही है, तो हम भी विश्वास के साथ हैं कि भगवान जी और दुर्गा मैया, श्री कृष्ण जी, राम जी और महादेव, जो देवों के देव हैं, उनसे हमारी यही प्रार्थना है कि सबकी आंखें खोले, सच्चाई सामने लाए, मैंने किसी को कोई गलत नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, प्यार किया सचिन से, और सचिन के प्यार में मैं यहाँ आई, आपके शरण में मैं आई, अपने बच्चे मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, उनके साथ में यहाँ आई, मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको मिर्ची लगती है, मैं बार बार बता, उनको दिल में, आंखों में, जिगर में उनको मिर्ची लगती है, जलन होती है उनको जब मैं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, बस मैं कलमा नहीं पढ़ के सुनाती, मैं कुछ भी नहीं सुनाती, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और हिंदू अल्पाज से उनको चिढ़ है, तो वो दुनिया को दिखाएंगे, वो कुछ भी कहे, वो दुनिया को दिखाएंगे कि भाई देखो हमने ऐसा नहीं होने दिया, एक दिन आपका ही मजाक उड़ाएंगे, इतना याद रखना, आपका ही मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसा होने वाला तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, तो वो लोग सच्चे अच्छे नहीं है, कितना भी दावा कर ले सच्चाई अच्छाई का, उनमें कुछ भी नहीं है, वो धोखेबाज इंसान है, मुझे पता है, मैं औरत हूँ, मैं वहां से भागी क्यों हुई, मुझे वहां से नफरत क्यों हुई, क्योंकि मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि वहाँ इंसानियत नहीं है, मेरी सोच उनसे बहुत अलग थी, फिर भी मैं रही, मैं चार बच्चे पैदा किए, मैं अच्छे से, अगर मेरा अयाज पसंद होती, मुझे अपनी परवाह होती तो मैं इतने बच्चे पैदा ना करती है, मैं अपनी जिंदगी में खुश थी, बस कहते ना खुशी किसी किसी को रस आती है, वो गधा इंसान वो नहीं समझ पाया, मैंने बहुत समझाया, मेहनतें भी करी, हाथ पैर भी जोड़े, मेरे अब्बू ने भी जोड़े, बट वो नहीं समझ पाया,
वो अपनी मजे के लिए, अपनी अय्याशी के लिए जीता रहा, हमें ठुकरा दिया। तो ये चीज सबको माननी पड़ेगी, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई झूठ नहीं, ये हकीकत है। जो आज मेरे लिए गलत गलत बोल रहे हैं, वही मुझे वहां बताते थे कि आपका जो गुलाम हैदर है ये गंदे गंदे काम कर रहा है। इस पे हमारे रेगुलर लड़ाई होती थी कि यार मत कर, मासूम बच्चे हैं, उनका सोच हमें कोई नहीं देने वाला, ना तेरा बाप सगा है मेरा, और मेरा बाप मेरी बहने कोई बेचारे गरीब है, हमारा कौन ध्यान रखेगा। तो लड़ लड़के मैं हार गई, वो बंदा सुधरा नहीं, एंड में दी एंड ही कर दिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ आने का सोचा, पर नहीं समझते वो लोग, पता नहीं कब समझेंगे। एक दिन तो जरूर मानूंगे ना, झूठी बक्कियां, झूठे केस, झूठी चीजें डाल डाल के तुम नहीं जीत सकते, झूठे प्रूफ बना के तुम नहीं जीत सकते। ठीक है, पाकिस्तान के लोग कौन है क्या है ये कानून भी मानता है, ठीक है, ये कानून भी मानता है कि वो कभी भी मेरे लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं सनातन धर्म में हूँ। मेरी मतलब मुझे सनातन धर्म के लिए इस तरह बुरी तरीके से घसीटा जा रहा है, बुरा बुरा बोला जा रहा है। कभी कहते हैं हिंदू क्यों बनी, कभी कहते हैं हिंदू कब बनी, कभी कहते हैं बच्चे हिंदू क्यों बनाए, मतलब सिर्फ हिंदुता हिंदू लोगों से उनको चिढ़ है, ये क्यों नहीं समझते वो लोग, उनसे ही चिढ़ाए। फिर कहेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा, क्या यार मैंने क्या बिगाड़ा है। हिंदू बनी, हिंदू बनने का इसका मन था और ये अपने मन से हिंदू बनी, इसी ने जबरदस्ती, इन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा मन है, अब एक बार मुसलमान रहो या हिंदू रहो। हाँ। मैंने हिंदू हिंदू धर्म को अपने मन से स्वीकार किया है, किसी के डर दबाव से नहीं किया है, अब एक ना आज बताओ किया है। मैं अलसुफी आके कोई पूछ ले कि मैं करवा चौथ रखती थी कि नहीं, मैंने अपने हाथों से अपनी छन्नी सजाती थी कि नहीं, मैं पूरा दिन वर्ती रह के बिल्कुल निर्जल वर्ती, यहाँ पे तो चाय वाय पीते हम, मैं तो चाय वाय भी नहीं पीती थी, भूख में बुरा हाल होता था इनके लिए, फोन करती थी और हम दोनों को लड़ाई खत्म करा था, झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि मैं तो दुकान पे काम करता था, तो कभी कभी थोड़ा दुकान पर काम करता था, थोड़ा बिजी रहता था, अगर मैं कॉल नहीं उठाता था, ये दबा दब कॉल, दुकान वाले लाला ये कहते थे कि कॉल किसकी आ रही है, बार बार कॉल किसकी आ रही है, तो मैं कॉल चला के, यानी कि मैं कॉल चला के कम आवाज करके मैं फिर दाल पे या कुछ कट्टे पे मैं रख देता था फिर भी, और वीडियो कॉल चली रहती थी, म्यूट लगा लगवा देता था और लाइव वो देखते रहता था सब कुछ। तुम्हारे पास ही है और अपना जो अपना